नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अहुरुचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में हर मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है, खास करके लालू परिवार। राबड़ी देवी जो लगातार बेरोजगारी को लेकर नीतीश सरकार से सवाल पूछती रही हैं, एक बार फिर से उन्होंने दमदार सवाल नीतीश कुमार के सामने दाग दिया। उन्होंने पूछा कि करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद करने वाले नीतीश सरकार ये बताए कि बिहार का हर दूसरा व्यक्ति, हर दूसरा युवा बेरोजगार क्यों है, बिहार के लोगों को पलायन क्यों करना पड़ रहा है, आखिर इसके पीछे क्या लोचा है, क्या कुछ लिखा है ट्वीट में राबड़ी देवी ने, आपको बताते हैं। राबड़ी देवी ने ट्वीट करके लिखा है, बिहार के करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद करने वाले नीतीश कुमार बताएं कि बिहार का हर दूसरा युवा बेरोजगार क्यों है, हर दूसरे घर से पलायन क्यों है, जवाब दीजिए, ऐसे कब तक चुप रहिएगा। इसके साथ राबड़ी देवी ने एक फोटो भी साझा किया जिसमें लिखा हुआ है, रोता हुआ युवा, बर्बाद होती जवानी, बिहार के सभी भर्ती आयोगों की यही कहानी। तो ये पहली दफा नहीं है जब राबड़ी देवी ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की। इससे पहले भी कई दफे राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार से सवाल किए कि आखिर बिहार के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, नीतीश कुमार इसको लेकर चुप क्यों हैं, क्यों बिहार के युवा बेरोजगार हैं, क्यों उनको नौकरियाँ नहीं दी जा रही। बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि अब युवा सड़क पर आ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार की तरफ से कोई सूद लेने तक नहीं आता, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी कई सवाल नीतीश सरकार से किए, उन्होंने यहाँ तक कि ओपन लेटर भी लिखा। बड़े ही प्यार से उन्होंने नीतीश सरकार से ये सवाल किए कि नीतीश कुमार को ये जवाब देने चाहिए कि आखिर बिहार का युवा बेरोजगार क्यों है। उन्होंने ये भी सवाल किए कि बिहार में एक तो नौकरियां कम आती हैं, जब कोई भी युवक जो कि फॉर्म भरता है, जो कि एग्ज़ाम देता है, वो पास आउट भी हो जाता है, तो उसको इस बात की परेशानी होती है कि कहीं उसका रिजल्ट ना आए, क्योंकि रिजल्ट में भी धांधली होती है। जब बहाली को लेकर नोटिफिकेशन आ जाती है तब भी उस युवक को इस बात का टेंशन होता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि हर कदम पर यहाँ पर युवा परेशान ही है। नौकरी का आलम ऐसा, बेरोजगारी का आलम ऐसा कि युवाओं को अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर तक उतरना पड़ता है, कई दिनों से भूखे प्यासे रहकर सड़क पर अपनी हक की लड़ाई लड़नी रहती है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के कानों पर जू तक नहीं रेंगता। नीतीश कुमार के कोई भी मंत्री या विधायक उन छात्रों को लेकर कोई प्लानिंग तक करते नहीं दिखते, यहाँ तक कि उन्हें सहानुभूति तक नहीं दी जाती है। यानी कि बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन नीतीश सरकार की तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है, और इसको लेकर विपक्ष सरकार से लगातार सवाल दागता नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की तरफ से इसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4नेशन। नमस्कार।